नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन की एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी मशीन में कौन सी निडल यूज़ करनी चाहिए। अपने घर में नॉर्मल तीन टाइप की मशीनें होती है, एक हाफ शटल, फुल शटर और ओवरलॉक मशीन। ज़्यादातर व्यक्ति को पता नहीं होता है कि कौन से मशीन में कौन सी निडल लगानी चाहिए, इसलिए आज हमने ये वीडियो निकाला हुआ है। सबसे पहले हम हाफ शटल मशीन, जो SV मशीन कहलाती है, उसकी निडल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं आपको SV मशीन की निडल्स दिखाता हूँ। SV मशीन की जो निडल्स है उसको कहते हैं HA X1 निडल्स। HA X1 निडल जो हाफ शटल की मशीन में चलती है, उषा जेनोमी हो गई, सिंगर हो गई, ब्रेडर की मशीन हो गई, सब में HA X1 निडल्स चलती है। और HA X1 की निडल्स ऊपर से हाफ कट वाली आएगी। देखिए, आपको मैं निडल्स दिखा रहा हूँ। ऊपर से उसका टॉप जो होता है वो हाफ कट होता है। HA X1 निडल्स 9 नंबर से लेके 18 नंबर तक की निडल्स मिलती है। आपका जैसे फैब्रिक्स हो वैसे आपको निडल यूज़ करनी चाहिए। लाइक्रा कपड़ा हो गया, पतला कपड़ा हो गया, तो उसके अंदर आपको 11 नंबर की निडल्स चलती है। उससे थोड़ा जाड़ा कपड़ा है, जैसे कि पैंट का कपड़ा हो गया, शर्ट का कपड़ा हो गया, तो उसके अंदर आप 14 या 16 उपयोग कर सकते हैं। और जीन्स का कपड़ा होता है तो आपको 18 नंबर की निडल उपयोग करनी चाहिए। SV के मशीन में ये निडल्स चलती है। मैं आपको SV का मशीन भी दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी मशीन कैसी है। देखिए, अभी ये है SV की मशीन, जिसको हाफ शटल मशीन कहते हैं। इसके अंदर HA X1 निडल्स चलती है। अभी हम आपको वापस फुल शटल मशीन में DB X1 या DB K5 निडल्स चलती है। देखिए, ये हो गई DB X1 निडल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है DB K5। कोई भी निडल आपके मशीन में चलेगी। DB X1 मशीन की निडल्स जो आती है वो पूरी राउंड आती है। देखिए, ये निडल्स पूरी राउंड आएगी। ये निडल्स भी 9 नंबर से लेके 18 नंबर की नंबर तक की निडल्स आती है। ये जो है DB K5 है और DB X1, ये दोनों निडल्स फुल शटल मशीन में चलती है। इसके अंदर भी 9 नंबर से लेके 18 नंबर तक की निडल्स आपको मिल जाएगी। जैसे भी आपका फैब्रिक्स हो, पतला फैब्रिक्स है तो 11 नंबर यूज़ कीजिए, उससे थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक्स है तो 14 या 16 उपयोग कीजिए। जीन्स का कपड़ा है तो आप 18 नंबर की निडल उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं फुल शटल मशीन भी दिखाता हूँ। फुल शटल मशीन मीन्स उसका शटल पूरा राउंड घूमता है, और हाफ शटल मशीन मीन्स उसका शटल हाफ राउंड घूमता है। आगे के वीडियो में, दूसरे वीडियो में, हम आपको शटल के बारे में भी जानकारी देंगे। हम नया वीडियो बनाएंगे, उसमें उसके बाद में आपको शटल की जानकारी भी देंगे। ये अभी हम आपको फुल शटल मशीन कैसी आती है वो भी हम दिखाते हैं, तो आपको पता चले कि फुल शटल मशीन में DB X1 निडल ही लगानी चाहिए या DB K5 लगानी चाहिए। HA X1 निडल्स फुल शटल मशीन में नहीं चलेगी। अभी हम आपको फुल शटल मशीन दिखाते हैं। या आपके पास ऑटो ऑयल मशीन है, ऑयल टाँकी वाला, उसमें भी DB X1 या DB K5 निडल्स ही चलेगी। देखिए, ये हो गया ऑटो ऑयल फुल शटल मशीन। और ये हो गया इंडियन फुल शटल मशीन। जैसे ये हो गया उषा का फुल शटल मशीन।
ये फुल सैडल मशीन है, और ये ऑयल टाँकने वाला मशीन है। उस सबके अंदर DB K5 या DB Cross 1 नीडल्स चल जाएगी। तीसरी हो गई DC Cross 1 नीडल्स, ये देखिए, DC Cross 1 नीडल्स जो आती है वो ओवरलॉक मशीन में चलती है। ओवरलॉक बोलो या इंटरलॉक मशीन, उसमें इंडियन ओवरलॉक में भी DC Cross 1 चल जाएगी, और इंपोर्टेड ऑटो ऑयल मशीन होता है जैसे कि 747 या 757, उसके अंदर भी ये DC Cross 1 नीडल्स चलती है। DC Cross 1 नीडल्स की पहचान कैसे करें वो हम आपको दिखाते हैं। DC Cross 1 नीडल का जो टॉप होता है, वो DB Cross 1 की नीडल से झाड़ा आता है, उसकी थिकनेस होती है वो झाड़ी होती है, और DC Cross 1 नीडल जो आती है वो DB Cross 1 नीडल से छोटी आती है। इसलिए गलती मत कीजिएगा, आप ओवरलॉक मशीन हो तो DC Cross 1 नीडल ही डालिएगा। उसमें भी 11 से लेके आपको 18 नंबर तक की नीडल्स मिल जाती है, और उसके अंदर भी आप जैसे भी कपड़ा हो वैसे नीडल आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको DB K5 DB Cross 1 नीडल्स और DC Cross 1 नीडल्स बाजू बाजू में रख के दिखाता हूँ। देखिए ये DB Cross 1 नीडल्स है जो ऊपर से भी पतली है और लंबी है, और ये DC Cross 1 नीडल्स है जो ऊपर से जाड़ी है और DB Cross 1 कर से छोटी है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जो उपयोग करते हो तो SV के लिए HA Cross 1 चलती है, TA1 के लिए DB Cross 1 और DB K5 चलती है, और ओवरलॉक के लिए DC Cross 1 एंड DC Cross 27 लिखी हुई कोई भी नीडल्स आपको चलेगी। इसलिए आप अभी कभी भी नीडल्स लगाए तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर आपकी मशीन कौन सी है और कौन से मॉडल्स की आपको नीडल लगानी है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे नए वीडियो हम बनाएंगे उसके अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो आपको डे टू डे इसका अपडेट मिलता रहेगा, और सोइंग मशीन के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी हम यहाँ पे दे पाएंगे। धन्यवाद।